लाल धागे के इस उपाय के आगे हैं बड़े बड़े उपाय फेल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोटके चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। इस उपाय को करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपकी अटकी हुई है, वो चाहे जैसी भी चीज़ें हो, चाहे आपकी तरक्की रुकी है, चाहे आप अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, चाहे घर का विवाद कोई चल रहा है, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी कहीं बेची है, खरीदी है, वो फंस गई है, वहाँ पे आप फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, बार बार आपको बीमारियां लग रही हैं, शरीर में किसी प्रकार का जो है रोग ऐसा हो गया है जिसका पता ना चल रहा हो, या फिर मुंह से जुड़ी हुई यानी दांतों से जुड़ी हुई, रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हों, कोई भी समस्या चल रही है, ये जो समस्याओं का नाम है ये बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। और इन बड़ी समस्याओं का एक छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को कर दीजिए। उपाय करने के बाद कुछ समय के उपरांत आपको राहत लग जाएगी और जो समस्या आपकी वर्तमान में चल रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि समस्या बड़ी है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन राहत आपको ऐसी मिलेगी कि आप महसूस कर सकें कि हाँ, सच में समस्या का निदान हो रहा है। और यही इस उपाय की विशेषता भी है कि आपको बड़े से बड़े जो आप समस्या में फंसे हैं, बड़े से बड़े संकट को भी कमज़ोर करते हुए आपको मजबूत बनाती है। तो क्या उपाय है, कैसे करना है, वो सब कुछ जानिए, आइए समझते हैं। आपको लेना है लाल धागा, जो कच्चा वाला सूत होता है लाल, वो लेना है, उसमें पीला धागा नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाल होना चाहिए। तो लाल कच्चा धागा आप मांगिएगा दुकान पर, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और लाल धागे का प्रयोग आपको कैसे करना है, आप अपनी लंबाई के बराबर का 3 फोल्ड यानी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबा धागा आप ले लीजिए। या दूसरा तरीका, एक गोला ले लीजिए, आप कच्चे धागे का एक गोला ले लीजिए लाल धागे वाला, और उसको अपने सर से 3 बार उबार लीजिए, 3 बार, 3 बार वार के भी काम चल जाएगा। या अपनी लंबाई का 3 फोल्ड कर लीजिए यानी 3 गुना कर लीजिए। 2 तरीका है, जो आपको आसान लगे, सुविधाजनक कौन सा हो सभी समझते हैं। तो आपको ये ले करके जाना है किसी पीपल के वृक्ष के पास। कब लेकर जाना है, किस दिन करना है, भैया सुबह लेकर के जाइएगा, और सुबह में किसी भी दिन जा सकते हैं, वो शनिवार भी हो सकता है, कुछ समस्या इसमें नहीं है। वहाँ जाइए, भगवान कृष्ण को ध्यान करिए, उनका ध्यान करते हो, क्योंकि वृक्षों में मैं कौन हूँ, पीपल हूँ, किसने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा। तो भगवान कृष्ण की शरण में जब आप पहुँच गए, और वहाँ सब पहुँचते हैं, यकीन मानिए, भूत प्रेत की भी जो बात चलती है, आत्माएँ कहाँ जाएंगी, आत्माएं जाएंगी भगवान कृष्ण में लीन हो जाएंगी, तो आत्माएं भी वहीं पहुंचेंगी, उसी पीपल वृक्ष के पास पहुंचेगी। और यह भी ध्यान में रखिए, एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन चलता है लोगों के दिमाग में, एक भय रहता है कि पीपल के पेड़ के पास जाएंगे तो आत्माएं पकड़ लेंगी, आत्माएं जकड़ लेंगी, आत्माएं परेशान करेंगी। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण के पास जा करके कौन सी आत्मा किसे पकड़ लेगी, आप सोचो। सब शांत हो जाते हैं, हर तरीके से शांत हो जाते हैं, वही पहुँचते ही हैं जिनको शांति चाहिए, वही वहाँ पहुँचते हैं, तो समस्या नहीं आएगी बल्कि सुखद अनुभूति होने वाली है। तो पीपल के वृक्ष के पास जाइए सुबह, वहाँ जलाइए धूप, धूप जला करके भगवान कृष्ण को प्रणाम करके मन में उन्हें बताइए कि आप कौन हो, किस नाम से आए हो, आप कौन है तो बता ही नहीं पाएंगे, उन्हें बताइए आप किस नाम से वहाँ आए हैं, किसके पुत्र हैं, कौन से गोत्र से हैं। तो आप बोलें, मैं, अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए, अपना गोत्र बताइए, उद्देश्य बताइए आने का, जो समस्या वर्तमान में चल रही है उस समस्या को बोल दीजिए वहाँ पर। अच्छा, कोई बीमार है तो क्या करें, बीमार है नहीं जा सकता, तो उसके सर से उतार करके वहाँ जाना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है जो गया है, फिर वो अपना नाम ले, इनके निमित्त आया हूँ, ये हमारे क्या लगते हैं वो बताइए, गोत्र बताइए, और उनका उपचार के लिए प्रार्थना करिए कि वो जल्दी ठीक हो, स्वास्थ्य लाभ हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। उसके लिए हम ये छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये सफल हो इसकी आप हमें अनुमति करें और साथ ही साथ आशीर्वाद करें। तो क्या करेंगे, वो जो धागा है उस धागे को उसी पीपल वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए घूमते हुए लपेट देना है। लपेट करके वहाँ पर गांठ लगा दीजिए, गांठें आपको लगानी हैं 7 वहाँ पर, तो 7 गांठें लगाते समय आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। और जिस समय चक्कर काटेंगे तो चक्कर काटते समय यानी धागा लपेटते समय अपना नाम लेते रहना है।
यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो भी आपको अपना ही नाम लेते रहना है, यदि आप दूसरे के लिए उपाय कर रहे हैं तो भी अपना ही नाम लेना है। बस गांठ लगाते समय आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप उपाय करने गए हैं। अपने लिए ही करने गए हैं तो वहाँ भी अपना ही नाम लेना है। बात समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये धागा बहुत टाइट करके नहीं बांधना है, गांठ जो साथ लगानी वो सात गांठें टाइट रहेंगी, लेकिन जो धागा आप लपेट रहे हैं लपेटते समय धागा ढीला रहेगा। ठीक है, बस इतना सा ये उपाय है। इसमें क्या लगा और किसका लगा? सिर्फ आपने वहाँ हाजिरी लगा दी, अपने बारे में बता दिया कि मैं इस समस्या से ग्रस्त हूँ, मेरी समस्या को दूर कर दें। बस उनकी लीलाएं हैं, फिर तो आगे का काम वही संभालते हो, ठीक कर देते हैं, ठीक कर देंगे। अब आपको क्या करते रहना है इस दौरान कि आपकी समस्या दूर हो जाए? ये धागा तो आपने बांध दिया, क्या इसके बाद आप इधर उधर के काम करेंगे? ध्यान रहे, सात्विक रहना है, आपका काम पूरा हो जाए। काम यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यभिचार नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शादी नहीं किया है या एक से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में आता है तो वो चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब समस्या बढ़ाएगा इस दौरान। वैसे भी इसे रोकना ही चाहिए, बाकी समस्या की बात तो ये सब रहती है। कोशिश करें कि भैया ये सब ना करें, अपने जीवन में प्रसन्न रहना है तो थोड़ा साधारण तरीके से रहना शुरू करिए, सिंपल रहना शुरू करिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये उपाय है, इतना ही करना है और इस दौरान सात्विक रहें। हनुमान चालीसा का पाठ खूब करिए, प्रतिदिन करिए और पूरे मन से करिए, और ऐसे करिए जैसे आप हनुमान जी को ही सुना रहे हैं। वो आपको ये लगना चाहिए कि हम उनसे कह रहे हैं जो जो उसमें लिखा है, हनुमान चालीसा में जो जो लिखा है आप ये सब कुछ हनुमान जी से कह रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। जब से आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके सामने सच में हनुमान जी हैं या फिर आप जो बोल रहे हो सब कुछ उन्हें सुनाई दे रहा है, जब अंतर से ये लग जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो समझिएगा कि आपका कार्य भी सिद्ध हो रहा है और आप भी उनके करीब हैं। बस सफलता ही सफलता है फिर तो, और कुछ नहीं चाहिए। जीवन आनंदित उठेगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा जीवन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।